नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत के केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले देश व प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नस्लगंज वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की गाड़ी सहित जब्त की गई, सागौन से लिया आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें, वन माफिया ने गाड़ी में पहले तो जमाई सिली, फिर ऊपर से रखा भूसे की भरी हुई बोरियां ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन वन विभाग की मुस्तैदी के आगे एक ना चली। वन परिक्षेत्र लाटकुई अंतर्गत आने वाले बुराखेरा में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने लाटकुई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिराली से पिकअप वाहन में भरी 51 नग सागुन की सिल्ली कीमत 81,950 रुपए के साथ आरोपी को दबोच लिया है। वही प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र लाटकुई के बुराखेरा मोगरा खेरा बीट में सागुन की लकड़ी का परिवहन की सूचना मुखबिर ने वन विभाग को दी। वन विभाग लाटकुई की टीम सूचना मिलते ही हरकत में आई और ग्राम सिलारी पहुंची। मुखबिर की सूचना अनुसार सफेद रंग की पिकअप वाहन सागुन की 51 नग सिल्ली लेकर जा रहा था। वही पिकअप वाहन को घेराबंदी कर हिरासत में लिया और उक्त वाहन लाटकुई रेंज लाया गया। आरोपी की बिगड़ी तबीयत, वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से सागवान की बेस कीमती लकड़ी का परिवहन कर रहे पिकअप वाहन को रेंज ऑफिस लाटकुई लाया गया और वाहन के चालक से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान विनोद सोनी की हालत बिगड़ गई। वही उत वाहन चालक को इलाज हेतु नस्लगंज सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कई जांच करवाई। जांच में उत वाहन चालक को कोई बीमारी नहीं निकली, क्योंकि जब आरोपी गलत काम करते पकड़ा जाता है तो इस तरह की हरकत करना आम बात होती है। वही उत वाहन चालक को स्वस्थ अवस्था में जमानत पर रिहा कर दिया गया और बुलावे पर आने हेतु पाबंद किया गया है। कहते हैं कि लाटकुई रेंज के रेंजर श्री झा ने बताया कि अवैध रूप से सागौन परिवहन की सूचना मिली थी। मुखबिर के द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर बहन को हिरासत में लिया गया और जांच पड़ताल में 51 नक्सली 1.903 धन मीटर सागौन की लकड़ी की कीमत लगभग 81,998 है और वही जब्त हुए पिकअप वाहन की कीमत 53,000 की बताई जा रही है। वही अब जब्त किया बोलेरो पिकअप आगामी कार्रवाई की जाएगी। नस्लगंज से चांदमिया की रिपोर्ट। यस सर, आप आज पिकअप वाहन लकड़ियों से भरा हुआ पकड़ा है, क्या मामला उसमें दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई सर? आज हमें मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि भिलाई से सिराली मार्ग पर यह बोलेरो पिकअप जाने वाली है। प्राप्त सूचना के आधार पर हमने अपनी गश्ती दल की टीम को सजग किया। जैसे ही भिलाई से सिराली मार्ग पर हमें बोलेरो पिकअप आती हुई दिखी, हमने सिराली के निकट भनमान मंदिर पर उस बोलेरो पिकअप को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। बोलेरो पिकअप में बैठे हुए दो वन अपराधी, जिनके नाम विनोद सोनी सन ऑफ लगनलाल सोनी उम्र 52 वर्ष, कुलदीप सन ऑफ विनोद सोनी उम्र 21 वर्ष है, उनको पकड़ करके रेंज में लेकर के आया गया। जब्त वाहन में 51 नसलियाँ थी, जिसकी अनुमानित लागत 81,958 रुपये एवं वाहन जो कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप है, वाहन नंबर MP37GA1503 है, जिसका अनुमानित मूल्य 4,50,000 रुपये है। सर, वन अपराधियों की तबीयत भी खराब हुई थी। हाँ, जैसे ही उनको अपराधियों को लेकर के रेंज में आया गया, उनमें से एक अपराधी जिसका नाम विनोद सोनी, जिसकी उम्र 52 वर्ष है, उसको घबराहट महसूस होने पर हमने उसे तुरंत ही निकट के नसुल्लागंज सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज करवाया गया। नॉर्मल पाया सर क्या? इलाज में उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई गई थी, जिसके बाद न्यायिक कार्रवाई की गई और न्यायिक कार्रवाई के बाद उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। ठीक सर, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।